टेस्ला मोटर्स। 2003 में मार्टिन हिडरबर्ड और मार्क टर्पेनिंग ने टेस्ला मोटर्स इस नाम से कंपनी की शुरुआत की थी। निकोलस टेस्ला, जो कि बहुत बड़े इन्वेंटर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उनके नाम पर टेस्ला ये नाम रखा गया था। वैसे शुरुआत में टेस्ला मोटर्स की कोई इतनी बड़ी पहचान नहीं थी, पर जब से इलोन मस्क कंपनी के CEO बने हैं, तब से इस कंपनी को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। टेस्ला के 11 सालों के बाद यानी कि 2019 में टेस्ला पूरे विश्व की बेस्ट सेलिंग बैटरी इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरर बनी, जिसके बाद टेस्ला मोटर्स प्लग इन सेगमेंट में 17% शेयर को होल्ड करने वाली और बैटरी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में 23% मार्केट शेयर होल्ड करने वाली पूरे विश्व की एकमात्र कंपनी बनी। 2008 में कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार रोडस्टेयर को इंट्रोड्यूस किया, जो कि ये कार सिंगल चार्ज में 320 किलोमीटर तक आसानी से चल सकती थी। फिर टेस्ला मोटर्स ने कम्प्लीटली इन हाउस डेवलप्ड कार यानी कि कम्प्लीटली मेड इन अमेरिकन कार बनाने की ठान ली और 2012 में कम्प्लीटली मेड इन अमेरिकन कार यानी कि मॉडल एस सेडन को इंट्रोड्यूस किया और इसी कार पर बेस्ट मॉडल एक्स SUV को 2015 में इंट्रोड्यूस किया। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल मार्केट में अपनी कंपनी को बढ़ाते हुए टेस्ला ने टेस्ला मोटर्स का सबसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट बनाया, जिसका नाम रखा गया मॉडल 3। और इस मॉडल की इंटरनेशनल लेवल पर इतनी ज्यादा डिमांड है कि इस गाड़ी का वेटिंग पीरियड 1 साल हो गया है। तो ये तो हो गई ग्लोबल लेवल की बात, पर टेस्ला को इंडियन बाजार में भी बहुत दिलचस्पी है। हालांकि अभी तक कोई भी विशिष्ट योजना या समय सीमा टेस्ला मोटर्स की तरफ से सामने नहीं आई है। टेस्ला इंडिया में आता है तो सबसे पहले अपनी 5 कारों को इंट्रोड्यूस करेगा, पर टेस्ला के CEO इलोन मस्क जी ने हाल ही में एक खुलासा किया है कि 2021 में भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में टेस्ला मोटर प्रवेश करेगा और टेस्ला मोटर्स को भारत में लाने की प्रक्रिया जनवरी 2021 से ही शुरू की जाएगी। वैसे टेस्ला मोटर्स की इंडिया में एंट्री 2016 में ही होने वाली थी, पर कुछ कारणों की वजह से ये एंट्री 2018 पर चली गई, फिर पोस्टपोन होकर 2020 पर चली गई और अब फाइनली 2021 पर हो गई है। पर जहां तक एक्सपर्ट के जरिए ये उम्मीद की जा रही है कि टेस्ला मोटर्स इंडियन मार्केट को लेकर अब सीरियस हो गया है। शुरुआत में टेस्ला मोटर्स अपने केवल 2 या 3 मॉडल्स को ही इंडिया में अनवील करेगा, ताकि डिमांड बढ़ जाए और इंडिया के अंदर टेस्ला मोटर्स का एक ब्रांड नेम बन जाए। और ऐसी ही सेम स्ट्रेटेजी किया मोटर्स ने भी अपनाई थी और इसी स्ट्रेटेजी के दम पर किया मोटर्स आज इंडिया की 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है और अब जल्द ही इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बनेगा। तो चलिए देखते हैं टेस्ला मोटर्स शुरुआत में किन किन कारों को लॉन्च करता है। टेस्ला मॉडल 3, यह एक एंट्री लेवल टेस्ला कार है और यह किसी अन्य टेस्ला मॉडल की तुलना में भारत में अधिक बिक्री की संभावना है। टेस्ला 3 एक लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित होगी, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज किया जाएगा। गाड़ी का स्टैंडर्ड मॉडल सिंगल चार्ज में 403 किलोमीटर तक चल सकता है। ये गाड़ी 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को 5.3 सेकंड में ही पार कर लेती है। गाड़ी का लॉन्ग रेंज ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट 518 किलोमीटर तक आसानी से चल सकता है, क्योंकि ये मॉडल 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को 4.4 सेकंड में ही पार कर लेता है। मॉडल 3 का परफॉर्मेंस ये और एक वेरिएंट होगा, पर इंडिया के अंदर इस वेरिएंट को लॉन्च किए जाने की संभावना ना के बराबर है। ये टेस्ला की गाड़ी है तो निश्चित रूप से कंफर्ट और कन्वीनियंस के मामले में बेहतरीन ही होगी। और तो और गाड़ी में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मानी जाती है, ये टेक्नोलॉजी टेस्ला की गाड़ियों में देखने मिल जाती है। पर इंडियन रोड्स पर टेस्ला की ऑटो पायलट सिस्टम कितने इफेक्टिवली काम करती है, ये अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। पर इस बात की अधिक संभावना है कि ये सारी गाड़ियां CBU मार्क से इंडिया में आएगी, यानी कि इस गाड़ी का सिंगल पार्ट भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होगा। गाड़ी को पूरी तरीके से इंडिया में इंपोर्ट करके बेचा जाएगा, जो कि ये इंपोर्टिंग टेस्ला की गाड़ियों को बहुत ही महंगा बनाएगा। गाड़ी के प्राइसेस की बात करी जाए तो US में मॉडल 3 की स्टार्टिंग प्राइस $38,000 है, जो कि अगर इंडियन रुपीज में इस प्राइस को देखा जाए तो इसकी शुरुआती कीमत 28 लाख होगी और ये प्राइस इंपोर्टिंग करने के बाद और भी बढ़ जाएगी। इसी मॉडल के साथ टेस्ला मोटर्स इंडिया में और भी एक मॉडल लॉन्च कर सकता है, जो कि मॉडल Y के नाम से जाना जाता है। ये मॉडल 3 का ही क्रॉसओवर होगा, जो सेडन जैसा दिखाई देता है, लेकिन मॉडल Y का सबसे बड़ा एडवांटेज यह होगा कि इसे ऑप्शनल 3rd row के साथ ऑफर किया जाएगा, जो इसे इंडिया के अंदर मोर प्रैक्टिकल और पॉपुलर होने में मददगार साबित होगा। मॉडल 3 के जैसे ही मॉडल Y भी 2 वेरिएंट में ऑफर किया जाएगा, लॉन्ग रेंज ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट और सेकंड परफॉर्मेंस वेरिएंट।
दोनों भी मॉडल्स में लिथियम आयन बैटरी पैक का यूज किया जाएगा। मॉडल वाई का लॉन्ग रेंज वेरिएंट सिंगल चार्ज में 508 किलोमीटर तक आसानी से चल सकता है, जबकि गाड़ी का परफॉर्मेंस वेरिएंट सिंगल चार्ज में 468 किलोमीटर तक आसानी से चल सकता है। वैसे ही गाड़ी का लॉन्ग रेंज वेरिएंट 0-100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को 4.8 सेकंड में ही पार कर लेता है। वैसे ही परफॉर्मेंस वेरिएंट 0-100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को 3.5 सेकंड में ही पार कर लेता है। यूएस के अंदर मॉडल वाई की स्टार्टिंग प्राइजेस $50,000 से है, जो कि इंडियन रुपीज में इसे देखा जाए तो ये प्राइजेस 36.69 लाख होगी, जबकि परफॉर्मेंस वेरिएंट की प्राइस $60,000 से, जो कि ये प्राइस इंडिया के अंदर 45 लाख होगी। पर इस कार को भी इंपोर्ट करके ही बेचा जाएगा, जिसके बाद गाड़ी की प्राइजेस और भी बढ़ जाएंगी। अगर टेस्ला मोटर्स के इन दोनों भी गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाती है तो आगे जाकर टेस्ला मोटर्स मॉडल एस को इंडिया में इंट्रोड्यूस करेगा, जो कि मॉडल एस एक सेडान होगी। ये गाड़ी 0-100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को केवल 2.5 सेकंड में ही पार कर लेती है। इंडिया के अंदर मॉडल एस की एक शोरूम प्राइजेस 1.5 करोड़ होगी। वैसे ही मॉडल एक्स, जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी में से एक है, ये गाड़ी सिंगल चार्ज में 475 किलोमीटर तक आसानी से चल सकती है। गाड़ी 0-100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को 2.95 सेकंड में ही पार कर लेती है। इंडिया के अंदर इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइजेस 2 करोड़ होगी। पर अगर इन गाड़ियों को इंडिया में इंपोर्टिंग के जरिए लॉन्च किया जाता है तो इन सभी गाड़ियों की प्राइजेस 10 से 20 लाख और भी बढ़ जाएंगी। पर टेस्ला को देखकर ये समझ आता है कि भविष्य में इलेक्ट्रिक कार मार्केट में कंपटीशन और भी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि जल्द ही टेस्ला मोटर्स मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। तो यही थी वो टेस्ला की कुछ गाड़ियां जो आने वाले समय में टेस्ला मोटर्स इंडिया के अंदर लॉन्च कर सकता है। इनमें से आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। वैसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।